नमस्ते सभी को। तो कल के असाइनमेंट ग्रुप में ये था कि शून्य को शून्य की तरह और प्रकृति को प्रकृति की तरह क्या हम देख पा रहे हैं और एटलीस्ट उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं। जो शब्द लिखे हैं उनके अर्थ हमें स्पष्ट हो पा रहे हैं। यदि इस पे किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उसको रख सकते हैं। शून्य की तरह देखना, थोड़ा इसको समझाइए भैया। जी, तो अभी हमारा जो अभ्यास है वो क्रियाओं को देखने का है। बट क्रियाएं हैं और क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार शून्य में बने रहते हुए जो क्रिया शून्य है, तो धीरे धीरे जैसे हम क्रियाओं को ही अब देखते हैं, तो क्रियाओं को पहले हम घटनाओं के रूप में देखते हैं कि घटनाएं हो रही हैं। फिर उस घटनाओं के आधार में जो क्रियाएं सूक्ष्म रूप में हो रही हैं वो समझ में आती हैं। फिर उनके आपस में संबंध समझ में आता है। उन क्रियाओं का एक निश्चित प्रकार से होना समझ में आता है और फिर आगे चलकर उन क्रियाओं का आधार भी दिखाई देता है। तो अभी हमारा ध्यान ज्यादातर घटनाओं पे होता है जो बहुत ही स्थूल रूप में हो रही हैं, है ना। फिर उसको और बारीकी से देखते हैं तो घटनाएं किस प्रकार से हो रही हैं उसको भी देख पाते हैं, उनका अंतर संबंध देख पाते हैं, उनके स्वयं में एक निश्चितता को देख पाते हैं कि एक निश्चित प्रकार से ही होती हैं, और फिर उसके आधार को देख पाते हैं। तो जब ये आधार देखने की योग्यता बन जाती है तो वहां क्रिया शून्य भी दिखाई देता है। तो जी प्रोसेस तो ये भैया, ये जो अपन देखना देखना जो चल रहा है, हाँ तो धीरे धीरे हम जब सूक्ष्म लेवल की तरफ जा रहे हैं तब हमें हमें शून्य दिखाई शून्य को देख पाएंगे, तब हमारे में योग्यता आएगी शून्य को देखने की। हाँ तो अगर अभी देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल, तो अभी हम जब ध्यान देना शुरू करते हैं ज्यादातर समय सुविधाएं और सुविधाओं में जो को लेकर जो घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान बना रहता है। फिर उससे और आगे देखते हैं तो शरीर और शरीर में होने वाली घटनाओं पर ध्यान जाता है। और आगे ध्यान देते हैं, है ना, तो शरीर और मेरे बीच जो हो रहा है उस पर ध्यान जाता है। फिर विचार पे ध्यान जाता है। तो अभ्यास एक में जो काम कर रहे हैं उसमें हम विचार पे सीधा सीधा ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं, और कई बार लोगों को विचार को भी देखने में कठिनाई मालूम देती है, क्योंकि ज्यादातर समय ये जो पहली तीन चीजें हैं उस पर ध्यान बना रहता है। फिर विचार को भी देख पाते हैं जब, तो उसके आधार में जैसे थोड़ा सूक्ष्म है भाव, वो भाव दिखाई देता है। फिर भाव को भी जब देखने जाते हैं तो भाव के आधार में जो संबंध है वो संबंध दिखाई देता है ना। तो भाव के आधार में जो संबंध है वो दिखता है, तो चिंतन की क्रिया घटित होती है। उसके साथ फिर व्यवस्था दिखाई देती है, जिसको बोध घटित होना कहेंगे। तभी ऐसा चलता है। फिर आगे चलकर जब उसका आधार और स्पष्ट रूप से देखने की योग्यता बनती है तो शून्य दिखाई देता है, क्रिया शून्य दिखाई देता है। इस प्रकार से चलता रहता है। भाव अभ्यास के बारे में बात कर रहे थे, हमें दो अभ्यास जो करने हैं, तो उसके आधार में जो कुछ ध्यान देने की चीजें हैं, तो बेसिकली देखें तो हम जीना चाहते हैं। हम सिर्फ जीना नहीं चाहते, हम तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं और उसकी भी निरंतरता चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब हम अपने को ध्यान देना शुरू करते हैं तो पता चलता जीना तो चाहते ही हैं, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और सिर्फ जीना नहीं चाहते, चाहते हैं कि आराम में रहें, परेशान ना हो, दुखी ना हो, तृप्त हो और उसमें एक क्षण भी बाधा ना हो। तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के अर्थ में क्या करना होगा, ये समझने का मुद्दा है। भैया, ये जो स्लाइड पर लिखा हुआ है ना, वन और टू, वन में सही समझना स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक, और दूसरे में सही भाव विचार करना। तो ये सही समझना और सही भाव विचार करना, उस दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो ब्लॉक B1 में सही समझना, ब्लॉक B2 में सही भाव सही विचार सुनिश्चित करना, और शरीर के साथ परस्परता में जब जीने जा रहे हैं तो उसके अर्थ में व्यवहार कार्य भागीदारी करना। पर भैया, सही भाव और विचार है वो सही समझ के आधार पर ही होगा। बिल्कुल। तो अभी क्या होता है, सही समझना तो हुआ नहीं है, तो कम से कम सही भाव सही विचार के अर्थ में तो अभ्यास करेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, वेटिंग में रहता है, ठीक है जब सही समझ जाएंगे तब सही भाव विचार अपने आप चलेगा। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, अपने आप को हेल्पलेस लगता है हमको कि हेल्पलेस है, अभी तो सही भाव विचार हो ही नहीं सकता। तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के अर्थ में मूलतः हमें ये तीन अभ्यास करना है कि सही समझना है, क्या समझे,
संपूर्ण स्थिति को समझें। शुरुआत कहां से करें? स्वयं से करेंगे। वैसे ही सही भाव, सही विचार करना है तो स्वयं से लेकर संपूर्ण स्थिति की व्यवस्था अर्थ में ही भाव विचार को सुनिश्चित करना है। जब करने जाते हैं तो दिखता है कि अस्तित्व संस्तित्व पूर्वक है तो उसके अर्थ में भाव विचार चले, प्रकृति व्यवस्था में उसके अर्थ में भाव विचार चले, और प्रकृति की हर इकाई है दूसरी इकाई संबंधित है उसके अर्थ में भाव विचार चले, इसके लिए अभ्यास करते हैं। और वैसे ही जीते, जीने का अभ्यास करते हैं तो संबंध में उभय सुख हो रहा है कि नहीं, इसको हम देखते हैं, मूल्यांकित करते हैं। ये सहस्तित्व का अभ्यास करते हैं संबंध में, व्यवहार में ना, व्यवस्था का अभ्यास करते हैं, संबंध का अभ्यास करते हैं। वैसे कार्य करते हैं तो उसका अभ्यास करते हैं, भागीदारी करते तो अभ्यास करते हैं। तीन तीन बातों के अर्थ में ही हमको अभ्यास करना है। इनमें से भी देखें तो सही समझने के अर्थ में हम लोग विस्तार से काम करेंगे, अभ्यास एक और दो के रूप में, उस पर हम लोग बारी बारी सभी काम करने वाले हैं। तो अभ्यास को जब देखने जाते हैं तो तृप्ति पूर्वक जीने के अभ्यास में, तो जीने के अर्थ में समझना है, समझने के अर्थ में देखना है, और देखने के अर्थ में ध्यान देना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? ध्यान देने से। मुख्य मुद्दा ध्यान देने का ही है, और ध्यान भी हम तब दे पाते हैं उसकी प्रायोरिटी बनती है। प्रायोरिटी तब बनती है जब उसमें हमको सुख लगता है, तो ये क्रम बनता है। तो समझना है, समझने के अर्थ में देखना है, देखने के अर्थ में ध्यान देना है, ध्यान देने के अर्थ में प्रायोरिटी सेट करना है। प्रायोरिटी सेट करने के अर्थ में इस बात पे ध्यान देना है या कि अपने आप में लोकेट करना है कि उसमें हमको सुख लग रहा है कि नहीं, नहीं सुख लगता है, नहीं ध्यान देते हैं। तो अगर हमको अपने आप में स्पष्ट होने लगे कि अल्टीमेटली मेरा सुख सुनिश्चित होगा इस बात को समझने से ही, दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर या संवेदना पाकर शरीर से जो भी कुछ उपलब्धि होगी वो टेम्पररी होगी और उस पर परतंत्रता बनी रहेगी, तो उसमें कोई उपलब्धि है नहीं। उपलब्धि तभी है जब स्वयं में दिखे, समझ में आए, तो धीरे धीरे हमारी प्रायोरिटी बनती है। उसके साथ जो भी हमको दुख मिल रहा है परस्परता में उसका भी हम मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें भी समझ में आता है कि ये तो चलता ही रहेगा अनवरत, ठीक है ना, तो उसका भी मूल्यांकन करते हैं। फिर उसका हम विकल्प ढूंढते हैं, क्या विकल्प होगा इसका। तो धीरे धीरे हम इस बात पे एकाग्र होने लगते हैं, ध्यान हमारे में बढ़ने लगता है कि अल्टीमेटली समझना होगा, समझ से ही सुख है, ठीक है ना। ये भी अपने को पता लगता है कि जो बाहर से आ रहा है, चाहे दूसरे के व्यवहार से या शरीर से मिलने वाली संवेदना से, है तो मात्र ये सूचना, ठीक, ये सुख भी नहीं है, सुख तो समझ से ही है। तो जब हमको ऐसा धीरे धीरे स्पष्ट होता है तो फिर हमारी प्रायोरिटी बनती है, प्रायोरिटी बनती है तो हम ध्यान देने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं तो फिर समझने के अर्थ में देखना शुरू हो जाता है। तो समझने की कुल वस्तु को देखें तो अस्तित्व समग्र है, पूरे अस्तित्व को ही देखना है। अब ऐसे तो बड़ी बात लगती है कि पूरे अस्तित्व को देखने का मतलब क्या, बट हम लोग उसको क्रमशः गति करेंगे। तो अस्तित्व जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले कुछ दिनों में कि सह अस्तित्व के रूप में है, यानी शून्य है, क्रिया शून्य है, उसमें जड़ चैतन्य इकाइयां हैं जो चार अवस्थाओं में पूरी प्रकृति है, और उसमें संपृक्त है। संपृक्त है मतलब उसमें ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। तो समझने की मूल वस्तु क्या हुई, तो कहाँ से शुरू करना है समझना, तो स्वयं से। तो चैतन्य को यानी मैं को समझना है, जड़ को समझना है, उदाहरण के रूप में शरीर है हमारा, और फिर सहस्तित्व को समझना है, शून्य को समझना है, और उसमें भी हम मैं और शरीर के सहस्तित्व को देखने से शुरू कर सकते हैं। तो चूंकि देखने वाला जानने वाला मैं हूं तो मुझे अपने आप को समझना तो जरूरी है, तो यहां से हम काम शुरू करेंगे। इन तीन वास्तविकताओं को समझने के अर्थ में ये अभ्यास हम कर रहे हैं। अभ्यास एक में चैतन्य को समझने का हम विस्तार से करेंगे, अभ्यास दो में जड़ को, उदाहरण के लिए शरीर है, उसको समझने का काम विस्तार से करेंगे। ये तीन अभ्यास है ना, इसमें भी अभ्यास तीन को अभी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अभ्यास तीन के लिए अभ्यास एक और दो में थोड़ी परिपक्वता चाहिए, थोड़ी बारीकी चाहिए, ठीक। और ये भी थोड़ा अभी हम लोग को एक्सप्लोर करना होगा कि इस ऑनलाइन मोड में कितना हम लोग सफलतापूर्वक कर पाते हैं, उसके लिए थोड़ा समय और अवसर भी चाहिए अभ्यास तीन के लिए।
तो अभ्यास एक और अभ्यास दो करेंगे। तो अस्तित्व को देखें, इकाइयां हैं, शून्य है, शून्य जो व्यापक है, हर जगह व्याप्त है, इकाई के भीतर भी है, इकाई के बाहर भी है, हर जगह है, उसमें इकाइयां संपृक्त हैं। और इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ है, चैतन्य है। तो चैतन्य को देखने जाए तो अपने आप से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक चैतन्य इकाई हूँ। जड़ को देखना हो तो सबसे निकट जो है मेरे जड़, जिसके साथ मैं सूचना का आदान प्रदान कर ही रहा हूँ, वो शरीर है। तो शरीर से देखना शुरू कर सकते हैं। फिर जब ये शरीर को देखते हैं तो पता लगता है कि मेरे शरीर के बीच दूरी है। तो शरीर को देखते हुए दूरी की स्पष्टता बनती है कि दूरी क्या होती है, चैतन्य और जड़ में दूरी कैसे होती है, किस प्रकार होती है। फिर इसको आगे बढ़ा के दो इकाइयों के बीच की दूरी को भी देख सकते हैं और दूरी के साथ संबंध को भी देख सकते हैं कि दो इकाइयां परस्परता में दूर बने रहते हुए भी संबंधित है, किस प्रकार है, शून्य में बने रहते हुए। इस पे थोड़ा ही हम लोग काम करेंगे अभ्यास एक और दो में। तो देखने का जो क्रम है, तो मैं से शुरू करेंगे, अपने आप को देखने शुरू करेंगे, फिर शरीर को देखने का अभ्यास करेंगे, और अभ्यास तीन उसके आगे की बात है। इतनी बात को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। तो मैं को मैं के द्वारा देखना, शरीर को मैं के द्वारा देखना, और सहस्तित्व यानी शून्य को मैं के द्वारा देखना, उस क्रम में मैं व शरीर के बीच दूरी को देखना और मैं व शरीर के बीच संबंध को देखना, ये सारा करने योग्य काम है। तो अभ्यास दो के आखिरी स्टेप में थोड़ा सा अभ्यास करेंगे सहस्तित्व को यानी शून्य में किस प्रकार मैं और शरीर बने हुए हैं, इसको देखने का अभ्यास करेंगे। परंतु मूल रूप से हम लोग मैं को मैं के द्वारा देखना और शरीर को मैं के द्वारा देखना, यही अभ्यास करेंगे। और दृष्टा यानी देखने वाला कौन है, तो मैं हूं। आंखें नहीं है, ठीक है ना, आंख तो शरीर का भाग है, आंख तो एक साधन के रूप में है, एक यंत्र के रूप में है। तो देखता मैं हूं, आंखों में हर बार अलग चित्र बनता है, वही परिवार का सदस्य है, ठीक, आंखों में उसका चित्र हर बार अलग ढंग से बनता है। अगर हमारी तरफ पीठ किए बैठा है तो एक तरह का चित्र बनेगा, चेहरा सामने तो एक तरह का चित्र बनेगा, दाएं बाएं है तो एक तरह का चित्र बनेगा। बट हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरा संबंधी है, मेरे परिवार का सदस्य है। तो ये जो देखने वाला है वो तो मैं हूँ, ठीक है ना, शरीर नहीं, आंखें नहीं, तो यंत्र के रूप में है, ठीक है। तो आंखों के माध्यम से मैं देखता हूँ, आंखें नहीं देखती, आंखों में मात्र एक चित्र बनता है, और जो चित्र है वो फिर मेरा सुख जाता है, मेरे से मुझ तक आता है, और मैं उसको फिर अर्थ देता हूँ कि मेरा संबंधी है, मेरा विरोधी है। तो एक तो जो सूचना मुझ तक आई आस्वादन के रूप में, रूप के रूप में, वो रूप को मैंने आस्वादन किया और फिर मैंने उसको एक अर्थ भी दिया, ये सब काम मैं कर रहा हूँ, शरीर नहीं कर रहा। तो ये बात हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है। तो ये अपने आप में जितना स्पष्ट होगा कि दृष्टा तो मैं हूँ, शरीर नहीं, उतना इस अभ्यास को करते हुए शरीर पर जो निर्भरता है वो कम होती जाती है। तो शरीर स्वस्थ है या बीमार है, देखने काम तो हम कर ही सकते हैं, सुबह है शाम है, शरीर थका हुआ है नहीं थका हुआ है, देखने काम तो कर ही सकते हैं कि नहीं। छोटा बच्चा वो भी देखने काम कर सकता है, बुजुर्ग है वो भी कर सकते हैं, वयस्क है वो तो कर ही रहा है। तो हर व्यक्ति देखने काम को कर सकता है, क्योंकि देखने वाला तो मैं हूँ, शरीर में ये सब घटनाएं हो रही हैं, थकना बीमार होना आदि आदि, बट मैं तो एक समान बना हुआ हूँ, जैसी मेरी स्थिति है चाहने और योग्यता को मिलाकर उसके अनुसार मैं एक्टिव हूँ, व्याशील हूँ, तो मैं तो देख ही सकता हूँ क्योंकि मैं ही दृष्टा हूँ। तो देखने का अर्थ भी क्या है ये थोड़ा स्पष्ट होना जरूरी है। तो जैसे मैं को देखना, अब कई बार ऐसा लगता है कि आंखों से मैं दिखेगा और नहीं दिखता तो कहते हैं है कि नहीं है पता नहीं। अब अगर आप देखें थोड़ा सा बारीकी से तो आंखों से तो हम शरीर को भी एक तरह से रूप ही लेते हैं उसका,
अभी हमको अपना पीठ तो नहीं दिखाई देता कभी, बट हम जानते हैं कि पीठ है, तो आंखों में तो पीठ का रूप नहीं बन रहा, बट हम तय कर पाते हैं कि हाँ मेरे शरीर में पीठ भी होता है। तो क्या हो रहा है, उसकी सूचना हमें किसी रूप में या तो मिल रही है, या कभी हमने देखा है और उसको जोड़ के रखा है कि भाई आगे धड़ है तो उस धड़ का पिछला हिस्सा भी है, पीठ भी है। तो एसेंशियली देखें तो पता लगेगा कि ये देखने वाला तो मैं हूँ, दृष्टा मैं हूँ, शरीर नहीं, शरीर एक साधन मात्र है। नहीं तो अभी आंखों से भी जो चीज हमको लगता है हम देखते हैं, बेसिकली उसमें एक रूप का आस्वादन तो कर लेते हैं, बट उसको अर्थ देने का काम चूंकि मैं ही करता हूँ, तो देखने वाला वहां भी मैं ही, और चूंकि मैं एक चैतन्य काय हूँ, जड़ तो हूं नहीं, जिसका आंखों में रूप बनेगा तो आंखों से देख भी नहीं सकते, बट मुझे अपने होने का पता लगता है। और किसी पॉइंट पे जब हमारी इतनी तैयारी हो जाती है तो हम उसको जैसा वैसा देख भी सकते हैं। तो मैं को मैं के द्वारा देखना ये बिल्कुल हो पाता है। और उसमें भी आप देखिए तो देखने वाला मैं हूँ, देखने की वस्तु मैं हूँ, है ना, तो दृष्टा मैं हूँ, दृश्य भी मैं हूँ, तो रुकावट क्या है, मुझे अपने आप को ही देखना है और शरीर के माध्यम की जरूरत भी नहीं है, मैं ही दृष्टा मैं ही दृश्य, मुझ में दर्शन करने की क्षमता भी है, देख सकता हूं मैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं, तो फिर शरीर पर कोई निर्भरता ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास ही सुविधाओं को या शरीर को या जड़ क्रियाओं को देखने का है। तो शुरू में चैतन्य को देखना थोड़ा कठिन सा मालूम देता है, बट जैसे इसके प्रति सजग होंगे तो इसकी प्रायोरिटी भी सेट होती है, फिर आपका ज्यादातर समय जो ध्यान रहता है चैतन्य को देखने पर रहता है, और जड़ का आप आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते रहते हैं, शरीर का हो सुविधा का हो, और पूरे समय अपने प्रति होश में बने रह सकते हैं, क्योंकि मूल मुद्दा तो देखने का है, समझने का है। जी इतने को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका, कोई शेयरिंग तो रख सकते हैं। ये बात स्पष्ट है कि देखने वाला मैं हूँ, आंखें नहीं, इसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। शशिकांत जी का एक प्रश्न है कि अंधा इंसान देख नहीं सकता क्या, मैं तो देखने के लिए आंख जरूरी नहीं। हाँ तो एक अंधा व्यक्ति भी देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख पाएंगे, बाकी जो और ज्ञान इंद्रियां हैं वहां से देख पाएंगे, अपने अंदर जो अर्थ देने काम है वो तो कर ही पाएंगे। जी बढ़िया, तो अगर ये बात हमको सहज रूप से स्पष्ट हो जाए कि देखने वाला तो मैं हूँ, आंखें नहीं, तो फिर शरीर पे निर्भरता नहीं रही, आंखों पे भी निर्भरता नहीं है। जैसे अभी है ना, हमारे सामने स्लाइड ना भी हो, आवाज पहुंच रही है, तो हम फिर भी इस बात को तय कर ही पा रहे हैं कि किस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। आंखों में रूप नहीं बन रहा वो ठीक है, कान में ध्वनि जा रही है, तो ज्ञानेन्द्रियों से हमको सूचना मिलती रहती है, और सूचना अल्टीमेटली मुझे मिलती है, शरीर में नहीं मिलती। शरीर में तो उसका जो भी घटना होना था भौतिक रासायनिक वो घटित हुआ, मुझ तक पहुंचा, अब वो सूचना मुझे मिली, अब मैं उसको अर्थ देता हूँ। तो शब्द यदि हिंदी का मैं बोल रहा हूँ और आपको हिंदी भाषा आती है तब तो आप उसको अर्थ दे पाते हैं, नहीं आती तो नहीं दे पाते हैं। ये अर्थ आप में बैठा हुआ है, शरीर में नहीं, कि नहीं। जी बढ़िया, तो भैया नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उस पर कोई अगर प्रश्न नहीं है तो। तो स्वयं में परस्परता में जीने का स्वरूप क्या होगा, इसमें कुछ नए शब्द आ गए हैं, उसको एक बार ध्यान से समझेंगे। जी रजनीश जी, तो स्वयं में परस्परता में जीने का स्वरूप क्या होगा, तो परावर्तन के रूप में देखें, यानी बाहर यानी परस्परता में जो पहचाना निर्वाह करना है मानने के आधार पर, अभी हो सकता है वहां हमारा जीना हो रहा है, उससे प्रत्यावर्तन में जाना है, यानी स्वयं में चैतन्य में देखने का काम करना है, समझने का काम करना है, ताकि जानने का काम हो पाए, ताकि मानना ठीक हो पाए। तो ऐसा हो सकता है कि अभी ज्यादातर समय हमारा ध्यान बाहर है, परस्परता में जीने को लेकर,
चाहे सुविधा के साथ हो, अन्य मनुष्यों के साथ हो, तो हमारा जीना अभी इस प्रकार से हो रहा है मानने के आधार पर। उससे जब जानने में काम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रत्यावर्तन की क्रिया घटित होती है। प्रत्यावर्तन मतलब ध्यान बाहर से समेट कर अंदर ले जाते हैं, अपने ऊपर ले जाते हैं। एक बार जब स्वयं में ध्यान ठीक से बनने लगता है तो उसके आधार पर परस्परता में फिर हम सही निर्वाह करने लगते हैं। तो जानने मानने के आधार पर फिर पहचाना निर्वाह करना होता है। तो ये क्रम है, इस क्रम से हमको गुजरना है। तो अभी हो सकता है कि हम पहली स्थिति में परावर्तन की स्थिति में, उससे प्रत्यावर्तन की स्थिति में जाना है और फिर सहज रूप से प्रत्यावर्तन पूर्वक परावर्तन होने लगता है। तो मैं यानी जीवन, तो जीवन शक्तियों का अगर देखें तो नियोजन दो प्रकार से हो सकता है, बहिर्नियोजन और अंतर्नियोजन। तो बहिर्नियोजन, बहि मैंने बाहर, तो बाहर क्यों लगाना? तो जब परावर्तन में स्थिति में है तो अपनी ऊर्जा को बाहर लगा रहे हैं, दूसरे मनुष्य को ठीक करना है, सुविधाओं को और बढ़ा देना है, ठीक है ना, आदि आदि, दूसरी तरफ बाहर तरफ ध्यान है। उससे समेट कर अंतर नियोजन करते हैं अपनी शक्तियों का, तो अपने अंदर ध्यान जाता है, स्वयं पे ध्यान जाता है। एक बार स्वयं पे ध्यान जाने लगे तो फिर हम शरीर का बेहतर रख रखाव कर पाते हैं, सुविधाओं की आवश्यकता का बेहतर चयन कर पाते हैं, ठीक है ना, मनुष्य का व्यवहार ज्यादा ठीक कर पाते हैं। तो जो अंतर नियोजन पूर्वक बहिर्नियोजन हमारा हो पाता है, यानी जीवन शक्तियों को अंदर की ओर लगाने के साथ साथ हम आवश्यकता अनुसार बाहर की ओर लगा पाते हैं। तो ये मामला है, ये मुद्दा है सारा काम करने का। जो तो जीवन शक्तियों के अंतर नियोजन यानी प्रत्यावर्तन के अर्थ में अभ्यास एक है और इसी क्रम में हम 7 स्टेप से गुजरेंगे। और ये बात जो पहले से भी कही जा रही है वो फिर से हम लोग कहते हैं कि ये एक तरीका है, एक मात्र नहीं, यही तरीका है, ऐसा नहीं करें, यह भी एक तरीका है। एक तरीका होने में, एक मात्र तरीका होने में अंतर होता है। एकमात्र मतलब यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो एकमात्र जब कह रहे हैं तो ही का प्रयोग कर रहे हैं, एक कह रहे हैं तो भी का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे आप घर में हैं, है ना, तो आप भी घर में हैं, ये एक बात है, आप ही घर में हैं, ये अलग बात है, तो हम दूसरे काउंट ही नहीं कर रहे। तो ये बात कही जा रही है कि दिस इज वन वे, है ना, एंड नॉट द ओनली वन वे। ये भी कह सकते हैं कि जो 7 स्टेप में हम अभ्यास करने वाले हैं वो 7 स्टेप्स को हम बढ़ा घटा भी सकते हैं, उसको कुछ अभ्यास के स्टेप्स को जोड़कर एक बना ले। या अभी आपको बारीकी से ध्यान देने जाएंगे तो दिखा कि हर एक स्टेप में और मल्टीपल स्टेप्स भी क्रिएट किया जा सकते हैं, ठीक। तो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ये भी नॉट द ओनली नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो ऐसा हो सकता है कोई क्या 7 नहीं 9 स्टेप में किया जाए, कर लीजिए 9 स्टेप में कर लेंगे, 7 नहीं 3 ही स्टेप में हो जाएगा, 3 में कर लेंगे। तो मुख्य बात है कि उपलब्धि हो जाए। क्या उपलब्धि है? प्रत्यावर्तन हो जाए, शक्तियों का अंतर नियोजन हो जाए, ठीक, दिख जाए, ये बात है कि चिंतन हो जाए, बोध हो जाए, अनुभव हो जाए, दिख जाए, इसके अर्थ में ही है। तो आप पाएंगे कि जब हम इसको स्वतंत्र रूप से अपना अभ्यास करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि इसमें इसी जोड़ दी जाए तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो हम अपने स्तर पर इसको जोड़ के देख लें, या कई बार ऐसा लगता है कि दोनों चीजें तो एक साथ दिख रही हैं, क्यों ना एक ही स्टेप में रख लिया जाए, उसको एक ही स्टेप में रख लें। जहां हम खड़े हैं उसके अनुसार जो हमारा गंतव्य है, हमको उसके लिए कितने स्टेप्स लेने हैं, ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करेगा। तो एक ओवरऑल क्लासिफाई तो कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमको मूव करना है, ठीक। बट पर्सनल लेवल पे तो अभी हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ उलझे हैं, जैसे पहले स्टेप में कहा गया कि भाव पे ध्यान दीजिए, भाव पर सजग हुई। अब कोई कह सकता है भाव पे ध्यान जा ही नहीं रहा, महीना भर हो गया ध्यान दे रहे हैं, ध्यान नहीं जा रहा। तो कहते हैं ठीक है भाई, पहले व्यवहार पे ध्यान दीजिए। उसका व्यवहार पे नहीं ध्यान जा रहा था अभी तक, तो व्यवहार पे ध्यान दीजिए, व्यवहार के मूल में जाके विचार पे ध्यान दीजिए, विचार के मूल में जाके भाव पे ध्यान दीजिए। तो पता लगा कि स्टेप वन को पूरा करना भी अभी चौथा स्टेप है कि नहीं, उसके पहले दूसरे के व्यवहार पे ध्यान दे रहे थे, फिर अपने व्यवहार पे ध्यान देना शुरू किया, फिर अपने विचार पे ध्यान देना शुरू किया, तब जाके भाव पे ध्यान गया। तो ऐसा हो सकता है कि हम जब स्टेप से गुजरते हैं तो हमारे में ऐसा लग सकता है कि इसके और मल्टीपल स्टेप्स बनाए जाए,
बट किसी का ध्यान अगर पहले से ही भाव पे बना हुआ है और मूल्यांकित भी कर पा रहा है तो कहेगा कि भाई ठीक है ना, अपने भाव का मूल्यांकन करें, पहला स्टेप है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये सारा वेरिएशन हो सकता है। तो मूल बात ये है कि हमको अपने प्रति सजग होना है, मैं को मैं के द्वारा देखना है, शरीर को मैं के द्वारा देखना है, और उस अर्थ में हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप न चलें तो जो बीच के उपलब्धि के लिए प्रयास है वो छूट जाता है और फिर उपलब्धि होती नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई हमको तो वर्कशॉप करते 2 साल हो गया बट अभी तक हमको तो ये ट्रस्ट दिखता नहीं है, तो ये सब तो कैसे दिखेगा, हो नहीं सकता, ऐसा भी लग सकता है। तो वहां से शुरू करें, बेसिक स्टेप से शुरू करें, तब तो जाके ट्रस्ट दिखेगा, रिस्पेक्ट का मतलब समझ में आएगा। तो हम जहाँ खड़े हैं वहां से हम चलना शुरू करते हैं और उसके अनुसार फिर हमको हमारे लिए अभ्यास और ठीक से स्पष्ट होने लगते हैं कि इसमें अभ्यास करना क्या। तो ये जो बात है प्रत्यावर्तन की कि हमारा अपनी ओर ध्यान चला जाए, इस पर हम लोग ध्यान दें, ठीक है ना। अच्छी बात है कि अभी तक जितनी चर्चा हुई उसमें काफी ध्यान दिया हम लोगों ने। डे वन पे ही जब बात हुई कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं, तो स्वभाव की ओर ध्यान देना शुरू किया, प्रभाव से कैसे निकले इसे विचार करना शुरू किया। तो अब जो करने वाले हैं कि स्वभाव में स्थापित होने के लिए जो अभ्यास करना है उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मेरे में शक्तियां तो हैं, ध्यान देने की शक्ति है, उसका नियोजन करेंगे। तो जो पहले भी बात हुई थी ना कि 3 चीजें हैं, ध्यान, ध्येय और ध्याता। तो ध्याता मतलब ध्यान देने वाला, वो मैं हूं, वो हम सब बने हुए हैं। ध्येय क्या है ये तय होना जरूरी है। तो ध्येय बाहर है या भीतर है, तो जनरली हमारा ध्येय बाहर होता है, वहां से मिटकर भीतर लाने में भी बहुत कई बार मशक्कत लग सकती है कि नहीं क्या कर रहे हैं, इससे क्या निकलेगा, अब इतनी सारी अर्जेंसी बनी हुई है, वो अर्जेंसी कौन पूरा करेगा, जॉब में अर्जेंसी है, फैमिली में अर्जेंसी है, हेल्थ की अर्जेंसी है, उसको कौन पूरा करेगा। तो इसकी कई बार प्रायोरिटी नहीं बन पाती ध्येय की, तो ध्येय तय नहीं होता हमारा। तो ध्येय अगर हम देखें तो इस अभ्यास में ये है कि तो मैं, हमारा ध्येय मैं दिख जाए, जैसा है वैसा दिख जाए, समझ में आ जाए, फिर शरीर और मैं का सहस्तित्व तो समझ में आ जाए, उस क्रम में शरीर समझ में आ जाए, फिर आगे चलें तो पूरी प्रकृति जैसी वैसी समझ में आ जाए, पूरा अस्तित्व जैसा वैसा समझ में आ जाए। तो ये ध्येय को निश्चित करना मुख्य बात है, इस पे अपने को थोड़ी मशक्कत हो सकती है। जो लोग पहले भी अभ्यास करते रहे हैं उनके लिए तो ठीक है क्योंकि काफी ध्यान पहले से गया है, जो अभी इस सत्र में ज्वाइन किए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो भी सकता है ध्येय को तय करना। और ध्यान का मतलब कि ध्येय को तय करने के साथ जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ध्यान है, तो ध्याता आप हैं, मुख्य मुद्दा ध्येय को निश्चित करना है, ध्यान देने की क्षमता आप में है ही, जिधर ध्यान देते हैं उधर एक्सेल कर जाते हैं। तो अगर हमारा ध्यान सुविधा पे है सुविधा में एक्सेल करने लगते हैं, यानी अधिक से अधिक सुविधा हम संग्रह कर पाते हैं, ठीक, उसको चमका पाते हैं, निखार पाते हैं, बढ़िया बढ़िया जुटा पाते हैं। अगर हमारा ध्यान स्वयं पे हो जाए तो हम अपने अंदर सही भाव सुनिश्चित कर पाते हैं, हमारे विचार ठीक हो पाते हैं। अभी है ना, आज के दिन अगर हम असाइनमेंट के रूप में देखें तो ये एक मुख्य काम है कि हमको अपने ध्येय को निश्चित करना है ना, जो शक्तियों का अंतर नियोजन की बात है, अंदर की ओर लगाने की बात है, प्रत्यावर्तन की बात है। तो अभी हम उसकी प्रायोरिटी कितनी तय कर पा रहे अपने आप में, उसको देखना है। तो दिन भर में कितना समय हमारा अपनी ओर ध्यान गया, कितना समय बाहर की ओर ध्यान बना रहा है। जब बाहर की ओर देखा भी तो भीतर दिख रहा था कि नहीं, ऐसे बाहर ही दिख रहा था।